हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर बात करेंगे आज के सेकंड एडिटोरियल रिन्यूड अनसर्टेनिटी की ये बिजनेस आर्टिकल है और बिजनेस आर्टिकल्स बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर इस प्रकार के आर्टिकल्स देखने चाहिए यहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप हर एक बात को नोट करते चले एक नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो और एंड तक देखना है सेशन ऐसा नहीं है कि पाँच दस मिनट देखा और फिर चले गए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिर टाइम वेस्ट वाली बात है तो अगर आप कुछ वास्तव में सीखना चाहते हैं तो एंड तक सेशन को देखें हर एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट करो और नेक्स्ट सेशन जब भी होता है उससे पहले रिवाइज करके आया करो समझ में आपको आएगा अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं जैसे एक ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश वो आपको आशीष क्लासेज एप्लीकेशन पर मिलेगा ग्रामर का बैच है वो आपको आशीष क्लासेज एप्लीकेशन पर मिलेगा इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है अगर आप एडिटोरियल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई क्लोज टेस्ट या पैरा जम्बल का बैच लेना चाहते हैं या एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स बाय करना चाहते हैं तो आपको आशीष क्लासेस इंग्लिश नाम से एक ऐप दिया हुआ है तो आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे पहला जो विकल्प आता है पहला ही एक ऑप्शन आएगा आशीष क्लासेज इंग्लिश के नाम से पचास प्लस डाउनलोड वहां पर दिखाएगा तो उससे आप एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रिन्यूड अनसर नाम का सेशन है रिन्यूड जो शब्द है ये अगर मैं बात करूं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो इसे मैं कहूंगा एजेक्टिव और अनसर्टेनिटी जो शब्द है इसे आप कहेंगे नाउन अनसर्टेनिटी नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है एक बात तो इससे पता लगता है दूसरी बात अगर किसी वर्ब के साथ में अगर आप थर्ड फॉर्म यूज करते हो किसी वजह जैसे रिन्यू है रिन्यू का ईडी लगाया थर्ड फॉर्म आपने यूज किया ठीक है और नाउन से पहले यूज कर लेते हो तो उसे आप पार्टिसिपल नाम से जानते हैं तो ये वर्बल एबजेक्टिव या पार्टिसिपल कहलाता है और ये पार्टिसिपल का कौन सा प्रकार है पास्ट पार्टिसिपल है ठीक है ये पास्ट पार्टिसिपल है प्रेजेंट और पास्ट दो ही पार्टिसिपल होते हैं तो थर्ड फॉर्म अगर हो तो पास्ट है और आईएनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रिन्यूड का मतलब जो बिल्कुल रिवाइव हुआ है जो नया है फ्रेश है उसको कहते हैं तो अनिश्चितता और अनिश्चितता कैसी रिन्यूड जो फिलहाल नई एक अनिश्चितता सामने आ गई है उसको लेकर है तो मार्केट में जो अस्थिरता है उसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है जितने भी अंडरलाइन पार्ट आपको दिख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं इसकी वर्ब क्या होगी वो हम निकालेंगे जो भी इस प्रकार के जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं अलग कलर में ये सब इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है इसके डिस्कशन आपको देखो या तो इन बॉक्स इस बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं लिखता हूं वहां पर उसको देख के नोट कर लेना देखिए द लेटेस्ट फैक्ट्री आउटपुट डेटा सबसे पहली बात तो आउटपुट जहां शब्द आता है बिजनेस आर्टिकल्स में इसका मतलब मान के चलना कि प्रोडक्शन है है ना जहां कहीं भी आप यह आउटपुट शब्द देखो इसका मतलब प्रोडक्शन तो लेटेस्ट का मतलब नवीनतम फैक्ट्री आउटपुट डेटा तो नवीनतम जो नए आंकड़े सामने आए हैं प्रोडक्शन के प्रोडक्शन कहां का factory का फैक्ट्री किसने रिलीज किए ये आंकड़े रिलीज बाय अब देखो ये ये है ना ये वर्ब नहीं है ये पार्टिसिपल है क्योंकि इस डेटा की विशेषता बता रहा है कौन से डेटा जो रिलीज किए गए वो डेटा किसके द्वारा रिलीज किए गए हैं एनएसओ के द्वारा एनएसओ ही बोलते हैं इसको शॉर्ट में है ना नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग बोलते हैं हिंदी में तो इसके द्वारा ये आंकड़े रिलीज किए गए अब ये डेटा जो है ना इज देखो डेटा के साथ में आप इज भी लगा सकते हैं आर भी मतलब सिंगुलर भी लगा सकते हैं प्लूरल भी क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में डेटा का प्रयोग दोनों ही फॉर्म्स में करते हैं वैसे अगर आप ओरिजिनल बात करें तो डेटा है प्लुरल है डेटम इसका सिंगुलर होता है ठीक है तो जो लेटेस्ट फैक्ट्री आउटपुट डेटा है जो रिलीज किए गए एनएसओ के द्वारा वो क्या है यट अनदर साइन अन, साइन का मतलब संकेत दर का मतलब एक और संकेत है जब आप कोई चीज को इंफेसाइज करते हो भाई आपने कोई गलती करी आपने एक बार फिर से किया और एक बार फिर से कर दिया तो फिर क्या है कि आप कहोगे कि ये आपकी अनदर अनदर मिस्टेक है yet another का मतलब एक बार फिर से ये ये कर रहे हो तो ये एक बार फिर से एक संकेत मिला है किस चीज का ऑफ द रोकी स्टार्ट अब यहां पे दैट परमिनर है रोकी यहां एग्जेक्टिव है स्टार्ट यहां नाउन है रोकी का मतलब क्या नीचे देखिए अनस्टेबल वीक शेकी अनसर्टेन अनिश्चित को बोलते हैं कमजोर को बोलते हैं ठीक है तो ये एक संकेत है किसका कि जो स्टार्ट हुआ है ना वो कैसा स्टार्ट है अनस्टेबल स्टार्ट है वीक स्टार्ट मिला है कमजोर स्टार्ट हुआ है दैट इकोनॉमी अब दैट यहां पे कंजंक्शन है इकोनॉमी सब्जेक्ट है इकोनॉमी की वर्ब इज है वो स्टार्ट जो कि इकोनॉमी यहां पे इकोनॉमी का रहा है इन द न्यू फिस्कल ईयर किसमें नए वित्त वर्ष में फिस्कल का मतलब नया भाई एक अप्रैल से लेकर फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेकर और थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक का जो ईयर होता है उसको क्या बोलते हैं आप वित्त वर्ष बोलते हैं फिजिकल ईयर बोलते हैं तो ये जो नया एक अप्रैल से स्टार्ट हुआ था उसकी बात ये कर रहा है अगर मैं इस पूरे सेंटेंस की बात करूं तो इसमें आपको दो क्लोजेज मिलेंगे देखो ये कैसे पता लगता है कि क्लोज कितने हैं यह डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब पे आप सिंपल सा काम है आप ये काउंट कर लिया करो कि सब्जेक्ट और वर्ब कितने हैं जितने सब्जेक्ट जितनी वर्ब उतना क्लोज यहां पे एक डेटा सब्जेक्ट था इसकी वर्ब फिर इज थी तो एक क्लॉज तो ये हो गया फिर दूसरा है द इकोनॉमी सब्जेक्ट है फिर इसकी वर्ब इज है दूसरा क्लॉज ये हो गया दो क्लॉज हो गए रॉकी का मतलब क्या है मैंने बता दिया एक बार फिर समझ लो क्या कहना चाह कि जो नवीनतम आंकड़े सामने आए हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन के जो किसने रिलीज किए एनएसओ ने रिलीज किए ये एक बार और संकेत मिल रहा है किस बात का कि जो स्टार्ट यहां पर इकोनॉमी को मिला है नए वित्त वर्ष में वो स्टार्ट कैसा है वो वीक स्टार्ट है अनस्टेबल स्टार्ट है ठीक है आगे देखो देखो बहुत आसानी से समझ में आने लग गए होंगे आपको बिजनेस आर्टिकल अगर आप काफी लंबे समय से चैनल पर बने हुए हैं तो और अगर आप आजकल में ही जुड़े हैं तो भी घबराने की बात नहीं है धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा है ना कोई तो अच्छी चीजें जो होती है ना उसको टाइम लगता ही है

है ना एक आप लगभग रफ आइडिया लगाते हो किसी चीज को लेकर उसको बोलते हैं एस्टिमेट तो अप्रैल का जो आईआईपी हैं हैं वो क्या दिखाते हैं? तो ये इसकी वर्ब है शो। क्योंकि है है तो शो यहां पे कई बार ये भी confusion आपको हो जाता होगा कई बार ये भी कंफ्यूजन आपको हो जाता होगा कि भाई यहां पे जो आ, ये जो बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट फॉर्म है ये प्लुरल है ये कैसे पता लगे आपको कई बार आपको लगता होगा ऐसा तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना वो प्लुरल होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एसओरियस अगर जोड़ देते हो आप तो उसको बोलते हैं सिंगुलर थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एसोरियस जोड़ देते हो तो वो बन जाती है सिंगुलर अदरवाइज बनती है प्लुरल तो ये जो estimates है ना ये दिखाते हैं क्या ऑल थ्री सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडेक्स सेक्टरल का मतलब सेक्टर से संबंधित भी कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो वो सेक्टरल हो जाएगा एजेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है कॉम्पोनेंट नोट करिएगा कॉम्पोनेंट्स या फिर इसको बोलते हैं पार्ट्स भाग घटक तो कह रहा है कि जितने जो सारे तीन तीन पूरे मिला के तीन सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं है, है ना इंडेक्स के जिसमें कौन कौन से ये हैं तो एक तो माइनिंग है माइनिंग समझते होंगे आप खद ख़दा, खदान होता है खान होती है उसको माइनिंग बोलते हैं मतलब खुदाई करके कुछ निकालना खनिज वगैरह निकालना वो माइनिंग है मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी बिजली वाला क्षेत्र तो ये जो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना सफर्ड रिवर्सेज इन्होंने क्या किया इन्होंने यहां पे सफर किया रिवर्सेज का मतलब बिल्कुल उल्टा रिजल्ट निकल कर आया रिवर्स का मतलब उल्टा होता है अब ये भी सब्जेक्ट था भाई ये जो था ना ऑल थ्री सेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट ये सब्जेक्ट है ये मैंने हाईलाइट नहीं किया ये सब्जेक्ट है इसकी वह सफर्ड है क्यों एज क्योंकि एज यहां पे कंजंक्शन इसका मतलब क्यों की है आउटपुट आउटपुट का मतलब बताया मैंने प्रोडक्शन होता है स्लिड स्लिड क्या है देखो स्लाइड होता है स्लाइड की सेकेंड फॉर्म होती है स्लिड और थर्ड फॉर्म भी स्लिड slid. स्लाइड का मतलब गिरावट आने को बोलते हैं फॉल या डिक्लाइन ये सब इसके मतलब हो सकते हैं ठीक है तो कह रहा है कि जो प्रोडक्शन है ना उसमें गिरावट आई बिलो द प्रीसीडिंग मंज लेवल्स प्रिसीडिंग का मतलब क्या होता है प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रायर प्रिसीडिंग का मतलब प्रीवियस पिछला काफी बार यूज करते हैं इस वर्ड को िसीडिंग का मतलब प्रायर या प्रीवियस प्रीसीडिंग यहां पे क्या है एजेक्टिव है तो पिछले महीने का जो भी स्तर रहा ना उससे नीचे चला गया बिलो है वो लेवल में नीचे होने का संकेत करता है बिलो का ऑपोजिट होता है वो अब होता है वो लेवल में ऊपर होने का संकेत देगा ठीक है एक बार फिर समझना कि अप्रैल का जो ये आई वाला इंडेक्स है ना इसके जो एस्टिमेट है वो दिखाते हैं क्या दिखाते हैं कि तीन जो पूरे के पूरे जो तीन सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो भी इस सेक्टर को बनाते हैं उसकी जो इंडेक्स है अब ये तीन सेक्टर कौन कौन से माइनिंग है मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिसिटी है इसमें रिवर्सेज देखने को मिली है सफर का मतलब इसने एक्सपीरियंस किया है सफर का मतलब पीड़ित होना होता है लेकिन यहां पे इसका मतलब एक्सपीरियंस करना निकालें कि इन तीनों सेक्टर्स ने यहां पे रिवर्सेज झेले हैं मतलब उल्टे परिणाम झेले हैं कारण क्या था क्योंकि प्रोडक्शन जो था वो पिछले महीने के जितने भी स्तर रहे हैं उन सब से नीचे चला गया ठीक है आगे बात करें आउटपुट की जो वर्ब है वो स्लिड है

ये जो पिछले महीने की बात कर रहा है ना कि भाई पिछले महीने में ऐसा हुआ है तो उसकी वजह से अप्रैल मे और जून चल रहा है इन दो तीन महीनों की बात ही कर रहे हैं न्यू फिजिकल ईयर के अंदर तो कह रहा है दूसरी लहर जो है इस पेंडेमिक की वो काफी तेज गति से बढ़ी उस महीने एंड सेवरल सेवरल एक डिटर्मिनर है सेवरल का मतलब अनेक होता है और सेवरल के साथ में नाउन प्लुरल आती है तो आप देखेंगे यहां पर हब्स दे रखा है हब्स देखो प्लुरल है ठीक है कि अनेकों जो की की जब एब्जेक्टिव के रूप में जब नाउन हो तो इस की का मतलब महत्व चाबी होता है ताला चाबी है ना लॉक एंड की अगर की एक्जेक्टिव है तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वाइटल ये सब मीनिंग देता है तो यहां पे इसका मतलब सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट से है और अनेकों जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब्स हैं इंड हब्स का मतलब हब एक उस जगह को बोलते हैं जहां पे बहुत सारी एक्टिविटी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हब जैसे कि एजुकेशन हब होता है जहां पे शिक्षा ये जो एक्टिविटी शिक्षा वाली काफी ज्यादा होती है उसको हब बोलेंगे तो इंडस्ट्रियल हब का मतलब औद्योगिक केंद्र हब का मतलब सेंटर मान लो तो अनेकों जो की इंडस्ट्रियल हब्स हैं, कमिंग अंडर रिन्यूड लोकल लॉकडाउन और वो नए स्थानीय लॉकडाउन के फेर में आ गए है ना ऑल सिक्स एंड यूज कैटेगरीज पहले मैं यहां तक बताता हूं देखो दो चीजें हुई एक तो क्या हुआ कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक जो है वो काफी बढ़ी इंटेंसिटी से बढ़ी उस महीने दूसरा क्या हुआ अनेकों की इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो भी लॉकडाउन के चक्कर में आ गए अंडर मतलब इसके अधीन आ गए ठीक है रिन्यूड है वो एब्जेक्टिव हो गया लोकल लॉकडाउन लोकल भी एब्जेक्टिव है लॉकडाउन है वो नाउन है एक नाउन से पहले ऐसा जरूरी है नहीं है कि एक एब्जेक्टिव आएगा वो पांच छह सात एब्जेक्टिव लग सकते हैं ठीक है थीके? जब अगर आपने एबजेक्टिव पढ़ा हो तो समझते होंगे इस बात को आप आगे देखिए ऑल सिक्स एंड यूज कैटेगरी देखो इन चीजों के कारण क्या क्या चीजें हुई एक तो इंटेंसिटी से बढ़ी है सेकंड जो लहर आई थी दूसरा काफी सारे जो इंडस्ट्रियल हब्स थे वो लॉकडाउन लग गए तो इसके चलते जो ऑल सिक्स एंड यूज कैटेगरीज है सारी सारी की जो सिक्स एंड यूज कैटेगरीज एंड यूज कैटेगरी पहले आप एंड यूज को समझ लो कोई भी प्रोडक्ट बना वो उपभोक्ता के लिए बनता है मान लो गाड़ी का निर्माण हुआ गाड़ी के लिए आपको इंजन चाहिए गाड़ी के लिए बहुत सारे पार्ट्स चाहिए ठीक है जो कुछ भी आप गाड़ी बनाने के लिए सामान लगाओगे वो सामान लगा रहे इसलिए हो कि ताकि गाड़ी बने और उपभोक्ता उसको चला सके ठीक है कोई भी चीज तो एंड यूज कैटेगरीज का मतलब है उस कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं जो उपभोक्ता को मिलते हैं जिसके लिए प्रोडक्ट बना है उसको बोलते हैं एंड यूज तो जितने भी सारे एंड यूज कैटेगरी जब एंड यूज कैटेगरी छह छह कैटेगरी बताइए ना तो छह कौन कौन सी एक तो प्राइमरी है एक कैपिटल है एक इंटरमीडिएट है एक कंस्ट्रक्शन गुड्स है एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है एक न्यन ड्यूरेबल्स है ये छह कैटेगरीज हैं ठीक है हो गए छह एक दो तो, फिर ये इंटरमीडिएट तीन कंस्ट्रक्शन चार पांच और ये नॉन ड्यूरेबल्स छह ठीक है तो ये तो छह कैटेगरीज है ना एंड्योर्ड एंड्योर endure का मतलब सहन करना होता है सहन करना अफोर्ड करना मंथ ऑन मंथ मतलब महीने दर महीने कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंकेज गिरावट आना श्रिंकेज मतलब आ, संकुचन आना गिरावट आना तो इनमें महीने दर महीने क्या संकुचन हुआ है गिरावट आई है एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है मंथ ऑन मंथ ये बता दूं आपको कि जब दो एक जैसी नाउन हो आप देख रहे हैं मंथ है यहां पे यहां पे भी मंथ है दोनों डिफरेंट नहीं होनी चाहिए बीच में होना चाहिए प्रेपोजिशन जैसे ऑन यहां प्रेपोजिशन है ऐसे केस में दोनों नाउन सिंगुलर आएगी ठीक है महीने दर महीना सिंगुलर आएंगे दोनों ये इसका कारण होता है कि जब आप इस तरीके से लिखते हो ना तो इसका मतलब है आप ये कहते हो कि एक महीना उसके बाद दूसरा महीना फिर तीसरा महीना फिर चौथा महीना तो इस प्रकार से आप प्लुरल लगा ही नहीं सकते सेंस में ठीक है ये लॉजिक है इसके पीछे तो कह रहा है कि भाई ये समझ में आई गया कि ये दो प्रॉब्लम्स तीन प्रॉब्लम्स थी ना ये दो प्रॉब्लम थे एक तो इंटेंसिटी के साथ सेकेंड वेव चली दूसरा काफी सारे जो आ, की इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो लॉकडाउन के चक्कर में आ गए तो जितने भी सिक्स एंड यूज कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज ये वाली हैं इन इन्होंने कॉन्ट्रेक्शन किया है ठीक है अच्छा ड्यूरेबल्स क्या होते हैं नॉन ड्यूरेबल्स क्या होते हैं ये ये समझ लो क्योंकि काफी बार ये वाला टर्म है परेशान करता है ड्यूरेबल्स का मतलब है कि वो सामान जो काफी टिकाऊ हो ठीक है ड्यूरेबिलिटी समझते होंगे टिकाऊपन बोलते हैं काफी बार हम सामान मांगते हैं तो कहते हैं कि ड्यूरेबल तो है क्या टिक तो जाएगा ना तो वो ड्यूरेबल है नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब जो टिकता नहीं है जैसे खाने पीने का सामान है ठीक है कपड़े हैं ये सब चीजें नॉन ड्यूरेबल्स में आती हैं और गाड़ी है मकान है एसी है रेफ्रिजरेटर है वॉशिंग मशीन है ये नॉन ड्यूरेबल्स में आते हैं सॉरी ड्यूरेबल्स में आते हैं नॉन ड्यूरेबल्स में फूड आइटम्स वगैरह जो भी खाने पीने की सामग्री है कपड़े हैं जो भी दैनिक यूज में हम करते हैं डेली यूज में जो काम लेते हैं वो नॉन ड्यूरेबल टिकते नहीं है और ड्यूरेबल्स में वो जो काफी लंबे समय के लिए हम लोग खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है ड्यूरेबल्स ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप आगे देखिए मैन्युफैक्चरिंग विच अकाउंट्स फॉर अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि भाई इतना पार्ट के लिए ये ये मतलब जिम्मेदार है अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि टोटल पार्ट कितना बनाना है उसको बोलते हैं तो इसका मतलब इसको मैं लिख देता हूं फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग टोटल कितना बनाएगा उसको बोलते हैं क्या अकाउंट फॉर तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में विच लगा के इसने बताया विच रिलेटिव प्रोनाउन है कि निर्माण क्षेत्र निर्माण क्षेत्र कौन सा जो आई अब आपसे पूछूं मैं आई क्या है तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ठीक है ये वो इंडेक्स है जो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जानकारी देती है तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो आई जो इंडेक्स है ना उसका सेवनटी तो यही कवर करता है तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एडिशनल जानकारी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आई का 77.6 परसेंट कवर करता है इस मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया 100 so, देखा प्रोडक्शन श्रिंक कि भी प्रोडक्शन में गिरावट आई है श्रिंक का मतलब गिरावट और कितनी गिरावट आई है 12.6% परसेंट किस आधार पर निकाला कि मार्च में जितना प्रोडक्शन था उसके तुलना में अप्रैल में ये 12.6% प्रतिशत कम हो गया एंड कंट्रीब्यूटेड और इसने क्या योगदान दिया सिग्निफिकेंटली का मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण तो भी होता है सिग्निफिकेंट का मतलब कंसिडरेबल भी होता है ध्यान रखें यह बात नोट कर लेना आप सिग्निफिकेंट जो शब्द है इसका मतलब कंसिडरेबल भी होता है और कंसिडरेबल के अर्थ में इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा यहां पे कंट्रीब्यूट किया कंट्रीब्यूट में टू लगता है देखो टू लगा हुआ है क्या कंट्रीब्यूट किया थर्टीन परसेंट सिक्वेंसियल कॉन्ट्रेक्ट सिक्वेंसियल का मतलब क्या होता है एक के बाद एक बैक टू बैक या फिर सक्सेसिव एक्जेक्टिव है ये तो सिक्वेंशियल कॉन्ट्रेक्शन का मतलब बताया था श्रिंकेज होता है संकुचन होता है गिरावट होती है तो इसने कंट्रीब्यूट किया कि 13 परसेंट एक के बाद एक यहां पे गिरावट आई इन ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट किस में कुल मिलाकर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहा उसमें 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली यहां तक की अगर बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी कि मैन्युफैक्चरिंग जो आई का सेवन टू सेवन पे अकाउंट फॉर करता है मतलब इतना पार्ट बनाता है इसने क्या किया इसने मार्च में प्रोडक्शन के अंदर गिरावट देखी कितनी देखी बारह और इसने कुल मिलाकर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें कितना मतलब कंट्रीब्यूट किया गिरावट आने में तेरह परसेंट यहां पे गिरावट मतलब गिरावट आई सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन है मतलब लगातार कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक के बाद एक यहां पे गिरावट के मतलब संकेत मिले ठीक है ठीक आगे देखो तो सब्जेक्ट है इसकी एन एसओ एडवाइज ने सलाह दी अगेंस्ट देखो अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध भी होता है अगेंस्ट कई बार आपने मेरे साथ देखा होगा कि कंपैरिजन करने के लिए भी यूज करते हैं और आज एक तीसरा प्रयोग आप देखें मैंने इसीलिए मैं भी किया यहां पे डायरेक्टेड एट या टू की ओर तो एन ने सलाह दी किस लिए सलाह दी ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रेपोजिशन है एंड प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स एन आई फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों लेता है ing एनजी फॉर्म क्योंकि प्रपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट और वेन एवर यू टू कन्वर्ट अर्ब इन टू नाउन वी पड़ेगा उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तो एनएसओ जो है उसने क्या किया सलाह दी किसके लिए सलाह दी तो इसलिए सलाह दी मतलब इस बात को लेकर सलाह दी इसलिए यहां पे टू वर्ड मतलब इसका सलाह का लक्ष्य क्या था लक्ष्य ये था ऑन ड्रॉइंगजन कि अगर साल दर साल का कंपैरिजन करना हो आपको तो इसलिए उसने सलाह दी ठीक है साल दर साल के कंपैरिजन की सलाह दी ड्रॉ का मतलब निष्कर्ष निकालना भी होता है ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है है ना तो साल दर साल का कंपैरिजन ड्रॉ करना हो अगर आपको तो उसकी सलाह दी एनएसओ ने एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग हो गया ईयर ऑन ईयर अभी हमने पढ़ा था मंथ ऑन मंथ वैसा ही दे रखा है ए इसलिए है क्योंकि इसको ईयर पढ़ते हैं ईयर ईयर नहीं पढ़ते ईयर इसका जो फोनेटिक बनता है ना उसमें इसका ईयर ये आएगा कॉन्सोनेंट साउंड इस कारण से ईयर नहीं बोलते ईयर तो ई ए आर होता है विच इट सेड इट तो आ रहा है एन के लिए है ना विच आ रहा है इस कंपेरिजन के लिए जो किसने कहा

ऑपरेटिंग इन अप्रैल अप्रैल 2020 2020 की में काम करने से रोका ऑपरेट करने से रोका। ऑपरेट करने का मतलब संचालित करना काम करना ये सब तो एनएसओ ने कहा कि भी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की सलाह दी है ना जो किसने कहा कि अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे ना तो प्रभावित होगा किससे प्रभावित होगा इस फैक्ट से कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो है उसने बहुत सारे स्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी संस्थान है कोई भी मतलब बिजनेस कोई एंटरप्राइज है मतलब कोई भी, भी बिजनेस है उसको इसने अप्रैल 2020 में क्या रोका था काम करने से ऑपरेट करने से रोका था एनएसओ सब्जेक्ट हुआ तो एडवाइज वर्ब है फिर विथ सब्जेक्ट हुआ इसकी वर्ब वुड बी अफेक्टेड है इट सब्जेक्ट अदर सेड है नेशन वाइड लॉकडाउन है तो हैड प्रिवेंटेड है प्रिवेंट में फ्रॉम लगता है ध्यान रखें है ना कॉन्ट्रीब्यूट में टू लगता है ये ध्यान रखें तो ये कुछ प्रिपोजेशन बेस्ड भी चीजें आपने यहां पे सीखी है ना अप्रैल 2019 के कि अप्रैल 2019 से जो आंकड़े सामने आए हैं तो ये figures की verb है, ये फिगर्स की वर्ब देखिए आ गई इंडिकेट तो ये दर्शाती है क्या द आई आई पी रजिस्टर्ड ए मार्जिनल जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट ग्रोथ कि जो आई आईपी है फिर से देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसने मार्जिनल का मतलब पार्टली आंशिक थोड़ा बहुत 0.08% परसेंट की ग्रोथ यहां पे रजिस्टर की रजिस्टर का मतलब क्या होता है रिकॉर्ड करना ठीक है तो यहां जो आंकड़े सामने आए अप्रैल 2019 के उसमें संकेत मिला कि आई के में आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई 0.08% परसेंट और यह वृद्धि बहुत कम है इसलिए इसने क्या लगा दिया एक एडजेक्टिव लगा दिया मार्जिनल ठीक है एडेड बाई कारण क्या रहा एडेड का मतलब हेल्पड बाई एड का मतलब हेल्प होता है भाई ये किस कारण से बढ़ोतरी हुई कारण ये था कि 6.8 परसेंट बढ़ोतरी देखने को मिली थी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में फ्रॉम टू ईयर अर्लियर कब से पिछले दो सालों से अर्लियर का मतलब पहले होता है अर्लियर का ऑपोजिट जो है वो क्या होगा एल ए टी ई आर लेटर ये टाइम को डिनोट करते हैं दोनों ही दोनों ही किसके लिए आते हैं टाइम के लिए ठीक है भाई आगे देखिए फिर देख लो एक बार फिगर सब्जेक्ट था इसकी वह इंडिकेट थी कि इसने कहा कि भई फिगर्स जो हैं 2019 में वो इंडिकेट करते हैं कि आईआईपी ने ये भी सब्जेक्ट है यहां पे इसकी वो रजिस्टर्ड है कि इसने रजिस्टर किया इतनी ग्रोथ और इसमें सहायता किसकी मिली क्यों हुई इतनी ग्रोथ कारण था इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जो था पिछले दो सालों के अंदर वो 6.8% बढ़ा था इस कारण से आईआईपी जो है वो बढ़ गया ठीक आगे देखिए हाउएवर हालांकि ये एक कंजंक्शन भी होता है ये एक अ एडवर्ब भी होता है और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है विरोध बताने के लिए को डिनोट करने के लिए यूज होता है तो फिर भी हालांकि मतलब प्री पैंडेमिक लेवल प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक पोस्ट आ जाए तो मतलब बाद वाला प्री लग जाए तो पहले वाला तो पेंडेमिक से पहले वाला जो स्तर है वहां से अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है मतलब पेंडेमिक से पहले मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी और पेंडेमिक के बाद मैन्युफैक्चरिंग कितनी है ये समझ में आ गया ना तीन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम एक मैन्युफैक्चरिंग था एक इलेक्ट्रिसिटी था और एक और था हमने देखा था ना शुरुआत के स्लाइड के अंदर तीन जो घटक थे उनकी तो बात कर रहे हैं अभी देखा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ा तो आई के अंदर जीरो की ग्रोथ था है मैन्युफैक्चरिंग की बात करना इसने स्टार्ट कर दिया तो कह रहा है कि हालांकि प्री पेंडेमिक लेवल से मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें गिरावट आई है श्रिंक की सेकेंड फॉर्म श्रेंक है श्रिंक श्रैंक एंड श्रंक नहीं पता हो तो नोट करो श्रिंक फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड फॉर्म बनती है श्रेंक और थर्ड फॉर्म बनती है श्रंक ठीक है तो हालांकि प्री पेंडेमिक लेवल से मैन्युफैक्चरिंग <coughs> पढ़ूंगा शोइंग पहली बात तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कई बच्चों को पता नहीं लगता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बता दिया मैंने इसका कारण है कि दो काम साथ में हो रहे हैं एक काम तो हुआ कि निर्माण क्षेत्र है उसमें गिरावट आई दूसरा काम है दिखा हो रहा है ये तो रिफ्लेक्ट करते हुए गिरावट आई मतलब गिरावट आई और ये रिफ्लेक्ट करते हुए ये संकेत करते हुए तो यहां पे जब दो काम साथ में हो और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में जाए तो उसे मैं कहता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक है तो हालांकि प्री पेंडेमिक लेवल से में गिरावट कितनी है जीरो पॉइंट रिफ्लेक्टिंग दिखाते हुए क्या दिखाते हो अभी द डीप रट इट फाइंड इट इन देखो रट जो होता है ना एक होता है फरो कभी खेतों में आपने हल की लकीरें देखी हो हल होता है ना हल जोतते हैं तो लकीर जो होती है उसको बोलते हैं रट यहां पर रट का मतलब क्या है रट का मतलब वैसे एक कह सकते हो गड्ढे को भी कह सकते हो रट का मतलब यहां पर जो है वो ये कह सकते हो कि एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है रेगुलर पैटर्न है ना हमेशा ऐसा ही देखने को मिलता है तो मैन्युफैक्चर में जो गिरावट आई ना तो इसने दिखाया कि ये तो एक डीप रट में है मतलब वही पैटर्न फॉलो कर रहा है इट फाइंड इट ये इट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लिए प्रोनाउन लगा दिया ये जोड़ देता इस शब्द पर ठीक है सब्जेक्ट के ठीक बाद में अगर सेल्फ uh, वाला पार्ट होता तो उसको बोलते हैं इम्फेटिक अगर वर्ब के बाद होता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव ठीक है ये फर्क होता है इन दोनों में रिफ्लेक्ट का मतलब शो होता नोट कर लेना तो कह रहा है कि हालांकि प्री पेंडेमिक लेवल से मैन्युफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग नौ परसेंट आई तो इसने क्या दिखाया इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने यह दिखाया वही पैटर्न दिखाया कि गिरावट इसमें आती रहती है वही इसने पैटर्न दिखाया आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स ये क्या होता है कैपिटल गुड्स का मतलब जैसे एक तो ये हो कि व्यापार स्टार्ट किया आपने और व्यापार स्टार्ट किया तो आपने क्या किया पूंजी लगा दी कोई भी उसको बोलते हैं कैपिटल है कैपिटल गुड्स का मतलब कोई व्यापार स्टार्ट किया और पूंजी की जगह आपने सामान लगा दिया तो वो कैपिटल गुड्स जैसे वो सामान जिससे आप और बिजनेस कर सकते हो तो उसे कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन खरीदी आपने मशीन भी तो एक सामान है लेकिन मशीन से आप और चीजें प्रोड्यूस करके बेच सकते हो बिजनेस कर सकते हो तो वो मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स में आएगा ठीक है इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स तो जो प्रोडक्शन है आउटपुट प्रोडक्शन पढ़ सकते हैं मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में आपको तो जो प्रोडक्शन है कैपिटल गुड्स का एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं जो सामान टिकते हैं ए रेफ्रिजरेटर मकान आपका गाड़ी ये सब क्या होते हैं ड्यूरेबल्स तो आउटपुट जो है कैपिटल गुड्स का और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब इनका उत्पादन कितना हुआ ये अब आउटपुट की बात कर रहा है किसका कि कैपिटल गुड्स का कितना हुआ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कितना हुआ तो ऑल्सो लैग तो ये चीजें भी क्या हुई पिछड़ी लैग का मतलब होता है फॉल बिहाइंड पिछड़ना तो ये भी पिछड़ गई किससे कॉरेस्पोंडिंग ट्वेंटी नाइनटीन लेवल्स की दो हजार उन्नीस के जो लेवल्स थे ना कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समान को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब सिमिलर या अलाइक को बोलते हैं जेक्टिव होता है ये इसका मतलब जो आप यहां पे बात कर रहे हो ना 2020 में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर वही उन्हीं महीनों में अगर आप 2019 में जाएं और वहां से तुलना करके लेके आए तो पता लगेगा किस में भी गिरावट आई है ठीक है और कितनी गिरावट आई है चौदह पॉइंट तीन प्रतिशत तक की बाई का मतलब तक है यहां पे एंड इलेवन पॉइंट सिक्स परसेंट और ग्यारह पॉइंट छह प्रतिशत तक की रेस्पेक्टिवली क्रमशय इसका मतलब समझे क्या आप क्रमशय इसलिए लगा रखा है कैपिटल गुड्स में तो गिरावट कितनी आ गई चौदह पॉइंट तीन प्रतिशत और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कितनी है ग्यारह पॉइंट छह प्रतिशत यह है जिसका जो पहले आया है उसका संबंध पहले वाले से जो बाद में है बाद वाले से कनेक्ट है सिग्नलिंग अब ये फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया जैसे रिफ्लेक्टिंग था वैसे सिग्नलिंग है आप दोनों को कंपेयर करके देखना वीडियो को पोज करके देखना कि क्या दोनों फंक्शन सेम है रिफ्लेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल सिग्नलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वही फंक्शन है जो रिफ्लेक्टिंग कर रहा था ये संकेत देते हुए दैट की द आउटलुक फॉर इन्वेस्टमेंट कि निवेश के लिए जो नजरिया है आउटलुक है इन प्रोडक्शन कैपेसिटी किसमें उत्पादन क्षमता में एंड डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन और किसमें उस उपभोग में जो डिस्क्रेशनरी है डिस्क्रेशनरी क्या होता है ट्री ऑप्शनल मतलब जो नॉन कंपल्सरी है जो कंपल्सरी नहीं है जो इच्छिक है आप चाहो तो निवेश करो वरना उसके बाद उसके बिना भी काम चला सकते हो नॉन कंपल्सरी नोट कर लेना ठीक है तो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है रिमेन्स डिस्कटिंगली वीक डिस्कटिंगली का मतलब काफी चिंताजनक रूप से डिस्कंसर्टिंग एक शब्द होता है इसका मतलब अनसेटलिंग होता है है ना ये आई लगा रखा है इसने एलवाई लगा रखा है वो तो बना रखा है अनसेटलिंग डिस्टर्बिंग या डिस्कम्फिटिंग मतलब बेचैन कर देने वाला चिंता जागृत कर देने वाला ये सब इसके मीनिंग होते हैं वीक का मतलब कमजोर ये वीक तो एडजेक्टिव है और वीक को डिफाइन करने के लिए डिस्कंसर्टिंगली यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि एडजेक्टिव को डिफाइन कौन कर सकता है एडवर्ब ही कर सकता है तो मैं इस आउटपुट से फिर बता रहा हूं कह रहा है कि जो आउटपुट रहा कैपिटल गुड्स का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का वो भी 2019 के लेवल्स को अगर देखो ना तो चौदह पॉइंट तीन प्रतिशत तो गिरावट आई कैपिटल गुड्स में यहां तक की गिरावट और 11.6 पॉइंट छह परसेंट की गिरावट किसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ठीक है ये संकेत करते हुए कि जो निवेश का नजरिया है भी निवेश कब करता है कोई व्यक्ति जब लगता है कि मार्केट से रिकवर मार्केट में रिटर्न अच्छा मिलेगा है ना मार्केट में मैंने पैसा डाला पैसा तभी डाला जाता है तब लगता है कि भी मैं कमा जा, कमा जाऊंगा इससे ऐसा तो नहीं है कि मार्केट की स्थिति चरमरा रही है सब कुछ मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बावजूद पैसा डाले जा रहे हो वो तो बेवकूफ़ी करेगा कोई काम तो ये है कि आउटलुक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी में और ऐसे कंजम्पशन की बात कर रहा है जो डिस्क्रिशनरी है जो स्वैच्छिक है कोई जरूरी नहीं है कि वो उपभोग करने से ही काम भी रोटी कपड़ा मकान है वो तो जरूरी में आ गया अब गाड़ी लानी है क्या जरूरी है वो तो आप ट्रांसपोर्ट मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे भी काम चला सकते हो तो ये डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है ये काफी ज्यादा वीक रहा ठीक है ना तो इन्वेस्टमेंट किस में एक तो उस सामान में इन्वेस्टमेंट जो कि कंपलसरी नहीं है दूसरा किस में प्रोडक्शन कैपेसिटी में कि मान लो कोई कोई आ, इंडस्ट्री है वहां पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने वाली कोई चीज लगानी है तो वो नहीं लगाए क्या जरूरी है अभी तो उस कैपेसिटी से काम चल रहा है क्योंकि अभी तो मांग ही कम है डिमांड कम है तो ये सब चीजें ना ये काफी ज्यादा वीक रही और ये जो फैक्टर रहा ना ये डिस्कंसल्टिंगली वीक रहा मतलब बेचैन कर देने वाली कमजोरी रही इसमें ठीक है कंज्यूमर नॉनड्यूरेबल समझिए कौन सा बता रहा हूं ये वो हैं जो कि टिकते नहीं हैं काफी समय तक ये क्या तो एक बार ही यूज कर सकते हो या शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर सकते हो वो नॉन ड्यूरेबल्स हैं एक बार जैसे खाना बनाया खा लिया यूज हो गया नॉन ड्यूरेबल कपड़े हैं शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा नहीं पूरी जिंदगी आप निकाल दोगे उससे 20 साल दस साल निकाल दोगे वो पॉसिबल नहीं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो है कंप्राइजिंग हाउस होल्ड इसेंशियल अब ये समझा रहा है कि भाई कौन से की बात कर रहा है नॉन ड्यूरेबल्स कौन से हैं कंप्राइजिंग का मतलब शामिल होना कंप्राइजिंग का मतलब शामिल होना जिसमें शामिल है हाउस होल्ड इसेंशियल इसेंशियल का मतलब जो इंपॉर्टेंट सामग्री है हाउस होल्ड मतलब घरेलू तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में वो सामान आते हैं थोड़ा समझाया है इसने जो मैंने समझाया वो बता दिया इसने कि इसमें वो सामान आते हैं जो घरेलू इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती हैं ठीक है जैसे आप चीनी है चाय पत्ती है नमक है राशन का सामान है ये सब हाउस होल्ड इसेंशियल्स है इससे मिलकर बनता है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स अब फिर से आ जाओ कंज्यूमर की वर्ब ये रही इसने विटनेस किया विटनेस का मतलब किया। क्या? 11 की तुलना से मार्च से तुलना करोगे ना तो ग्यारह परसेंट तो संकुचन इसमें भी हो गया मतलब इसमें भी खरीदारी कम हुई है टेस्टिफाइंग टू तो ये प्रमाण दे रहा है टेस्टिफाई क्या होता है टेस्टिफाई का मतलब होता है गिव एविडेंस लिख लो सबूत देना और टेस्टिफाई में अगर प्रेपोजिशन लगाना हो तो टू लग जाता है भी किस और सबूत दे रहा है किसकी और सबूत दे रहा है तो सबूत देते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है फिर देख लेना जो आया था वो पिछले आपका जो पिछले स्लाइड था एक बार फिर दिखा देता हूं आपको जो सिग्नलिंग आया था ये जो रिफ्लेक्टिंग आया था है ना इसी की तरह यहां पे आपको मिल रहा है टेस्टिफाइंग तो ये संकेत करते हुए क्या संकेत करते हुए कि भी डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है डिमांड डिस्ट्रक्शन का मतलब कि मांग क्षेत्र जो है वो धराशायी हो गया है डिस्ट्रॉय हो गया है दैट हैज कंपनीड ये डिस्ट्रक्शन जो है इसके लिए आया है कि डिस्ट्रक्शन किसके साथ आया है सेकेंड वेव के साथ भी दूसरी लहर पेंडेमिक की आई एक तो ये आपदा साथ में एक आपदा ये थी कि डिमांड तो वैसे खत्म हो रखी थी दोनों चीजें साथ में आ गई इसलिए इसने लगाया अकंपनीड ठीक है तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सब्जेक्ट था इसकी वह इट विटनेस्ड है टेस्टिफाई का मतलब सबूत देना गिव एविडेंस होता है गिव एविडेंस का मतलब सबूत देना भी हो सकता है इशारा करना भी हो सकता है तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड और लिखा देता हूं आप यहां पे एविंस भी कर सकते हो एविंस ई वी आई एन सी ई एविंस ये भी कर सकते हो ठीक है आगे देखिए टू बी श्योर ये निश्चित है द आई आई पी अराइव फिर से आई आई पी आ गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो ये यहां पे अराइव हुई है विद लैग ऑफ सिक्स वीक्स मतलब यहां पे कितना पिछड़ गया है आईआईपी वो पी सप्ताह की लैग यहां पे लैग का मतलब फॉल बिहाइंड पिछड़ना छह बी व्यूड और हो सकता है संभावना हो कि इसको देखा जाए लाइकली का पॉसिबिली होता है वैसे मे जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए आता है तो हो सकता है कि इसको देखा जाए एज मोर ऑफ एन इंडिकेटर किस रूप में एक संकेतक के रूप में है ना अब देखो मोर मतलब अधिक तो इस, इसको ऐसा देखा जाएगा कैसे एक संकेतक के रूप में संकेतक किसका पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का किसकी तुलना में एज ए टूल टू असिस्ट एक ऐसे टूल टूल का मतलब माध्यम ठीक है असिस्ट मतलब साथ देना इन प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग प्रदान करना एन एक्यूरेट प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोरकास्ट फोरकास्ट या फिर आप इसे कह सकते हो प्रेडिक्शन मतलब अनुमान कह सकते हो पूर्वानुमान कह सकते हो यह है प्रोग्नोसिस uh, ठीक है तो कह रहा है टू तो बी श्योर यह निश्चित है कि आईआईपी जो है वो छह सप्ताह से पिछड़ रहा है और इसको देखा जाए ऐसी भी संभावना है किस रूप में देखेंगे इसको पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखा जाएगा किस रूप में नहीं देखा जाएगा या मतलब प्राथमिकता इसको देखी दी जाएगी कि इसको इस रूप में देखा जाए कि ये पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का संकेतक है इंडिकेटर केवल इंडिकेट दे इंडिकेशन दे रहा है किसकी तुलना में ऐसा नहीं है कि आप इससे एक्यूरेट कोई अनुमान लगा लो एकदम एग्जैक्ट पहुंच जाओ ऐसा नहीं बस एक रफ संकेत मिल सकता है यह आपको इस चीज में असिस्ट नहीं करेगा कि एक्यूरेट प्रोग्नोसिस तक आप पहुंच जाओ प्रोग्नोसिस नोट कर लेना टेस्टिफाइंग नोट करना बाकी सब्जेक्ट ने डिस्कस कर लिया है आगे बढ़ते हैं स्टिल फिर भी अदर डेटा फ्रॉम में मई के महीने से जो और आंकड़े आए थे अब और आंकड़े कौन से तो ये इसने इंक्लूडिंग लगा के बताया इंक्लूडिंग ध्यान रखें प्रेपोजिशन होता है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग बोथ आर प्रेपोजिशन ठीक है इसका मतलब है इसके इसको शामिल करते हुए इस समेत तो फिर भी जो मई के महीने से अन्य आंकड़े आए कौन से आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले आंकड़े और सेवा क्षेत्र वाले आंकड़े पीएमआई क्या होता है? होता है है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यह भी एक सूचकांक है ठीक है यह बताता है कि भी कोई भी कंपनी है कोई भी बिजनेस है उसमें एक्टिविटीज कितनी मतलब गिरावट आई है कितना उसमें बूम आया है यह सब बताता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स तो अन्य आंकड़े जो आए ना मई के महीने से जिसमें कि ये शामिल था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज शामिल है पीएमआई शामिल है और रिटेल ऑटोमोबाइल शेल शामिल है मतलब ऑटोमोबाइल की बिक्री कितनी हुई ये शामिल है, है ना तो ये डेटा जो है ये देखो अंडरलाइन करते हैं मैंने शुरुआत में बताया था आपको डेटा जो है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यूज करते हैं तो वहां पर तो हमने सिंगुलर रूप में यूज किया इज यूज किया था और यहां देखो डेटा प्लुरल रूप में यूज किया इसलिए अंडरलाइन फर्स्ट फॉर्म यूज किया फर्स्ट फॉर्म प्लुरल होती है अंडरलाइन होता क्या है अंडरलाइन का मतलब होता है इम्फेसाइज किसी चीज पर जोर देना ठीक है अच्छा आप यहां पे जेड लगाओ या एस लगाओ बोथ आर राइट थोड़ा अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है बाकी दोनों ही सही है, जोड़ देना होता है तो अन्य आंकड़े कौन कौन से निर्माण क्षेत्र वाले सर्विसेज पीएमआई वाले ऑटोमोबाइल सेल्स वाले ये बता ये यहां पर जोड़ देते हैं द दे एक्सटेंट उस लेवल पर एक्सटेंट का मतलब स्तर लेवल किस स्तर तक टू विच जिस स्तर तक इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बीन कॉन्स्टेंट कि जो आर्थिक क्रिया है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है बाधा पहुंचाई गई है रोका गया है रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो रिस्ट्रेन कह सकते हो ठीक है सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस क्वार्टर कब से जब से ये तिमाही स्टार्ट हुई तिमाही कब से स्टार्ट हुई थी भाई नए वित्त वर्ष की अप्रैल से तो अप्रैल मई और जून इन तीन महीनों की बात ये कर रहा है ठीक है

मार्केट के सर्वे ये दिखा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेगनेट हो गई मंथ पिछले महीने मतलब आठ महीनों में पहली बार भी, क्या है? जो है, सेवा वो भी क्या हो गया संकुचित हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसमें भी गिरावट आई तो इन सबको देखते हुए द कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स कंपोजिट क्या होता है मिक्स्ड कंबाइंड मिश्रित को बोलते हैं तो ये जो मिश्रित पीएमआई आउटपुट इंडेक्स है स्लिड इसमें गिरावट आई कहां से कहां? 55.4 परसेंट अप्रैल में और इससे अड़तालीस 48.1 परसेंट मई में पहुंच गया इंडिकेटिंग संकेत देते हुए अ मॉडरेट रिडक्शन एक्टिविटी कि यहां पे एक्टिविटी में जो भी गिरावट आई रिडक्शन का मतलब डिक्लाइन जो भी गिरावट आई है वो मॉडरेट मतलब जा, 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 न ज्यादा न कम है ना जैसे ये कोई स्तर है ये तो बहुत ज्यादा है यह बहुत कम है तो बीच का सा जो है वो मॉडरेट है, moderate है, है. फिर साथ में, महीने में पहली बार सेवा क्षेत्र भी क्या हो गया उसमें भी श्रिंकेज आ गया कॉन्ट्रेक्शन आ गया तो जो कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स है ये ऐसी इंडेक्स है जो मिश्रित आंकड़े देती है कंपोजिट का मतलब मिश्रित इसमें गिरावट आई अप्रैल में पचपन था इससे ये पहुंच गया 48.1 परसेंट में और इसने क्या दिखाया कि यहां पे एक्टिविटी के अंदर मॉडरेट रिडक्शन आया है गिरावट आई है न्यू व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन अब कह रहे नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मोर देन हाउड यह आधे से ज्यादा हो गया है ना भी नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो है वो आधे से अधिक मतलब कहें कि जैसे मान लो दस व्हीकल रजिस्ट्रेशन हर महीने होते थे तो अब की बार कितने पे आ गया चार पे आ गया आधा कितना पांच इससे भी कम पे आ गया समझ रहे हो मई के महीने में फ्रॉम द प्रीवियस मंथ कब से पिछले महीने से पिछला महीना कौन सा अप्रैल से तो अप्रैल से मई के अंदर देखोगे ना तो वीकल रजिस्ट्रेशन भी आधे से कम हुए अनदर टेल टेल साइन टेल टेल का मतलब रहस्य उजागर करने वाला देखो टेल का मतलब क्या होता है बताना और टी एल का मतलब होता है कहानी तो ये एक ऐसा संकेत है पूरी कहानी बयां करता है इसीलिए इसका मतलब हो गया रिवीलिंग डिस्क्लोजिंग तो ये एक ऐसा संकेत है जो टेल टेल संकेत है टेल टेल एडजेक्टिव है ये एक ऐसा संकेत जो रिवीलिंग साइन है किसका डिमांड की डिमांड क्षेत्र जो है उसमें गिरावट आ रखी है ड्रॉट का मतलब सूखा होता है तो सूखा यहां पे समझेंगे शॉर्टेज लैक डेफिसिट कि निर्माण क्षेत्र के मतलब डिमांड क्षेत्र है उसमें गिरावट आ रखी है दिखा रहा है साफ साफ आगे कह रहा है विद जॉब लॉसेज एक्सलरेटिंग अब जॉब की जो लॉस है ठीक जॉब भी तो गया है हाथों से तो ये जो लॉस है वो बढ़ रहा है एक्सिस का मतलब बढ़ना एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग हिट बाई ए कॉम्बिन और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है मतलब उपभोक्ता है मतलब हम लोग हैं जो खर्चा करते थे वो प्रभावित हुआ है किससे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलिंग रियल इनकम्स कारण है काफी सारी चीजें कॉम्बिनेशन है मतलब एक ही चीज काम नहीं कर रही काफी सारी चीजें कौन कौन चीजें हैं एक तो रियल इनकम जो हमारी आय है वो घट रही है फॉल हो रही है डिप्लेटेड सेविंग हमारी बचत है वो भी कमजोर हो रही है डिप्लेट का मतलब भी वीक होना होता है हमारी बचत भी कमजोर हो रही है जब सेविंग्स यहाँ पे नाउन है एडजेक्टिव है याद रखना सेविंग मत कर देना सेविंग्स होता है हमेशा गलत हो जाएगा एन इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट और हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ रही है हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है सेविंग हमारी रही नहीं इनकम हमारी रही नहीं इसके कारण हमने खर्चा करना बंद कर दिया सीधी सी बात द ब्रॉडर आउटलुक तो जो बड़ा अधिक बड़े स्तर पर जो आउटलुक है जो भी एक आपका एटीट्यूड बनता है देखने का जो एक स्टांस बनता है फॉर अ नियर टर्म रिवाइवल किसका नियर टर्म मतलब निकट भविष्य में कि रिवाइवल हो जाएगा पुनः सक्रियता आएगी इन कंजम्पशन उपभोग लैड डिमांड मतलब कौन सी डिमांड डिमांड का नेतृत्व कौन करता है कंजम्पशन करता है डिमांड कब बढ़ेगी जब उपभोग बढ़ेगा जब हम लोग चीजें खरीदेंगे उन चीजों को यूज करेंगे तभी तो डिमांड आएगी ब्लीक, तो ये जो रिवाइवल है अभी, सब्जेक्ट अभी। मैंने सारे मिस कर दिया आज, है ये सब्जेक्ट है, राइट अभी तो, बात ही है, है? तो समझ में आ गया होगा यहां से जॉब लॉस तो बढ़ रहा है जॉब हाथ से जा रहे हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो प्रभावित हो गई घट रही है किस कारण से हमारी इनकम नहीं रही सेविंग्स नहीं रही हॉस्पिटल पे खर्चा बढ़ गया इसलिए अगर आप यह सोचते हो ब्रॉडर आउटलुक देखते हो कि निकट भविष्य में कंजम्पशन के द्वारा जो डिमांड निर्धारित होती है वो कुछ बढ़ जाएगी ऐसा सोचते हो, रिवाइवल हो जाएगा तो ये तो अभी तो फिलहाल निराशाजनक स्थिति है ऐसा कुछ दिखने वाला है नहीं टू इंश्योर एन अबाइडिंग रिकवरी अबाइडिंग होता है टिकाऊ जो काफी लंबे समय तक चले तो अगर आप चाहते हो ना कि रिकवरी काफी लंबे समय तक चले अगर आप इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हो इंश्योर करना चाहते हो देखो एक होता है इंश्योर एक होता है ये वाला इंश्योर एक होता है अश्योर यह होता है बीमा करना इंश्योरेंस बनता है यह होता है सुनिश्चित करना और यह होता है आश्वासन देना तो कह रहे हैं, अगर आप रिकवरी रिकवरी तो नाउन है और इसका यह एब्जेक्टिव है तो अगर आप अबाइडिंग रिकवरी को क्या करना चाहते हो सुनिश्चित करना चाहते हो द गवर्नमेंट नीड्स तो गवर्नमेंट को जरूरत है किसकी एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट क्या होता है ऑगमेंट या फिर क्या होता है इंक्रीज बढ़ाना ठीक है तो अगर आप अबाइडिंग रिकवरी को इंश्योर करना चाहते हो तो गवर्नमेंट को जरूरत है किसकी टारगेटेड डिमांड क्रिएटिंग फिजिकल सपोर्ट मेजर्स की कि इनको जरूरत है बढ़ाने की किसको बढ़ाएं सपोर्ट मेजर्स फिजिकल सपोर्ट मेजर्स मतलब वित्तीय कोई फिजिकल सपोर्ट उसको सहारा मिले मेजर्स का मतलब स्टेप्स तो कुछ ऐसे स्टेप्स यहां पर गवर्नमेंट उठाए जिससे फिजिकल सपोर्ट मिले और टारगेट मतलब लक्ष्य करके टारगेट बनाओ डिमांड क्रिएटिंग डिमांड क्रिएट करने वाले समझ रहे हो तो अगर आप अबाइडिंग रिकवरी चाहते हो ऐसी रिकवरी चाहते हो जो लास्टिंग हो काफी लंबे समय तक चले लाइफ लॉन्ग चले परसिस्टिंग चले तो गवर्नमेंट को जरूरत है गवर्नमेंट की वर्ब्स नीड्स है कि गवर्नमेंट बढ़ाए किसको बढ़ाए फिजिकल सपोर्ट मेजर्स को और ये कौन से मेजर्स हैं जो डिमांड को बढ़ाएंगे डिमांड क्रिएट करेंगे और टारगेटेड होंगे है ना और क्या करें ड्रेस्टिकली क्वी ये इसी की वर्ब है गवर्नमेंट की ही वर्ब है मतलब काफी तीव्र गति से, बहुत तब जाके रिकवरी अबाइडिंग होगी वरना टिकाऊ नहीं है कुछ समय आ जाएगी रिकवरी फिर दोबारा से मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा ये कहना चाहता है अब देखते हैं रिविजन रिम्यूनरेटिव जो शब्द है इसका मतलब क्या है कलर चेंज कर लेता हूं इसका देखो जो रिम्यूनोरेटिंग है इसका मतलब है प्रॉफिटेबल इसका मतलब है ल्यूक्रेटिव लाभदायक को बोलते बेनिफिशियल भी कर सकते हो रिपील है कैंसिल करना होता है रद्द करना होता है रिवॉक करना होता है रेसिंड होता है एब्रोगेट भी कर सकते हो रेट्रीब्यूशन का मतलब नेमेसिस है पनिशमेंट है सजा है ना पिछले सेशन से ही है फ्राइडे को जो सेशन हुआ था कर्टेल का कम करना है तो रिड्यूस है या कट डाउन है या डिक्रीज है या लेसन है कम करने को बोलते हैं और शूटअप का बढ़ाना होता है तो ग्रो करना है इंक्रीज करना है बूस्ट करना है ये सब है तो ये था आज का पहला एडिटोरियल इस वीक का फर्स्ट एडिटोरियल मिलेंगे कल ठीक पांच बजे एक नए सेशन के साथ तब तक तो के लिए नमस्कार थैंक यू वेरी मच